बैगन वाला जो गाना गाई है जो सिंगर प्रीति ऐसे ही कुछ करके नाम है, प्रीति ना प्रीति झा उसका नाम है शायद, अंतरा प्रियंका सिंह, अंतरा सिंह प्रियंका। तो बैगन वाला गाना थोड़ी ना गाई है, मतलब वो हाँ गाई है तो वो हो गए। उसके बाद परवेज पंचोली नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका बारे में मुझे कुछ जानकारी उतना नहीं है। वो हो गए शिवेश जी, हो गए अजीत आनंद जी हो गए हैं, उसके बाद नागेंद्र उजाला जी हो गए हैं, ऐसे तमाम बहुत सारे। आपको पहले पता नहीं था कि ऐसा गाना है, नहीं तो आप नहीं जाती? जानबूझ के कोई खाई में नहीं गई। दर्शकों के लिए एक छोटा सा प्यारा आपका कोई सॉन्ग होगा जरा हो जाए। नहीं मैं सिंगर तो नहीं हूँ, मुझे सिंगिंग थोड़ा सा भी नहीं आता है। मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ, ऑब्वियसली मुझे डांस ही आता है, सिंगिंग थोड़ा सा भी मुझे नहीं आता। लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा दर्शकों के लिए कोई सॉन्ग, नहीं नहीं हो जाए। गाना आता ही नहीं है तो कौन गाना गाए? कोई गाना आपको आता है ना, ऐसा ही ना। अभी मेरे बगल में जो लड़की बैठी है किसी परिचय की मोहताज नहीं है, इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पर जो है वायरल चल रही है। सबसे पहले गुड़िया जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो भी दर्शक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। इन दिनों कुछ दिन पहले फिलहाल आपका एक विवाद चल रहा था, कंट्रोवर्सी में आप आ ही जाती है। कुछ दिन पहले माही मनीषा को लेकर के आई थी, और फिर से अभी शूटिंग को लेकर के कुछ क्या खास प्रॉब्लम हुआ था उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ हम जानेंगे कि हाँ क्या मतलब कुछ हुआ था, दड़ा दर्शकों के लिए बता दीजिए। देखिए हम शॉर्टकट में कहेंगे, ऐसे आधा से ज्यादा दर्शक सब जान चुके हैं जो किस चीज लेके मतलब विवाद हुआ था, चाहे कंट्रोवर्सी हो रहा है। हम लेट आए हैं इसलिए, तो हम शॉर्टकट में हम कह रहे हैं जो आजकल का जेनरेशन में सच बोलना मतलब पाप हो जाता है, और जो पाप मैंने वो खुद किया है। किसी का थिंकिंग का बारे, किसी का नेचर का बारे, किसी का बैकग्राउंड का बारे, जो एक पर्दे में था वो पर्दा को उठा दिया, किसी का रास फास कर दिया, तो इसलिए मैं अभी कंट्रोवर्सी में आ गई हूँ, चाहे विवाद में मतलब आ गई हूँ। तो आज का जेनरेशन में सच बोलना मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। जो मैंने सच बोला है बोल के आज मैं गलत हो गई हूँ किसी और का नज़र में। लेकिन आप हीरोइन बनने के लिए गए थे उनके साथ, लेकिन ऐसा देखिए ऐसा हुआ कि एक सेकंड आपका बात मैं काट रही हूँ, मैं उनके पास हीरोइन बनने नहीं गई थी, मेरा काम था मैं अपना काम करने के लिए गई थी। लेकिन ऑफर मिला था ना उन्हीं के वजह से, ऑफर मिला था, ऑफर मिला था तो मुझे तो ढेर सारा ऑफर मिला था। कम से कम 150 गाना हम रिजेक्ट कर चुके हैं, और वो जो अगला बंदा जो मतलब भेजा था मुझे अपना एल्बम का रिक्वेस्ट, जो शिल्पी राज का सॉन्ग था बोल के इसीलिए हम गए थे, और नहीं तो हम जाते भी नहीं। और अगर जो गाना पे उन्होंने मतलब शूट करवाया था, अगर शुरू में वो गाना अगर वो भेजते मुझे, हम कभी भी उनके पास जाते भी नहीं, ना उनका गाना हम एक्सेप्ट करते। और सबसे पहला बात, वो अभी भी इतने बड़े नहीं हो गए हैं जो वो मुझे हीरोइन बना देंगे। अगर बनना भी है तो हम अपना बलबूते में बनेंगे, अपना कला का दम पे हम बनेंगे। वो हमको बनाने वाला सबसे पहले वो खुद तो हीरो बन जाए, उसके बाद ना मुझे हीरोइन बनाएगी। लेकिन जिस गाने के शूटिंग को लेकर के आप गए थी, शायद आपको पहले ये पता नहीं था कि ऐसा गाना है, नहीं तो आप नहीं जाती। जानबूझ के कोई खाई में नहीं गिरता है तो वैसे ही, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। गाने पे जिस गाने को शूटिंग लेकर आप गई थी उस गाने को तो जरूर आप सुनी होगी। उस गाना को सुनी थी, लेकिन जिस गाना पे उन्होंने एल्बम शूट करवाया उस गाना को नहीं सुनी थी। मतलब एक्टिंग आपको पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा? जी, जैसे कि उन्होंने बोला था जो हाँ कोई उनका एक्ट्रेस नहीं आई है इसलिए बहुत प्रॉब्लम है, तो कर देने के लिए तो इसलिए मैं कर दी थी उनको वाला गाना। तो अगला बंदा का कहना है जो हम अच्छे कलाकार नहीं हैं, हमको कुछ नहीं आता। अगर हमको कुछ आता ही नहीं, अगर हम कलाकार नहीं है तो तुम हमको बुलाए क्यों थे, सबसे पहला पॉइंट वेयर ये था। दूसरा पॉइंट, मैं बिहार के जितनी भी जनता है जो मुझे प्यार सपोर्ट करके इस मुकाम तक पहुंचा है, वो लोग पागल चाहे वो लोग अंधा तो नहीं है, कुछ ना कुछ मेरे अंदर खासियत देख के उन्होंने आज इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया है। तो अगला बंदा का कहना है जो मुझे कुछ नहीं आता, तो ठीक है कुछ नहीं आता है ओके। तो फरवरी महीना का लास्ट में मेरा 4 गाना रिलीज़ होने वाला है, और वो गाना मैं खुद से रिलीज़ कर रही हूँ। मतलब आप अच्छा, लेकिन गुड़िया अंचल जी से मेरा एक छोटा सवाल रहेगा अभी के लिए कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से ऑफर मिलेगा तो शायद गुड़िया हलचल जी शूटिंग के दौरान जाएगी या नहीं? अब ऑफर मिले चाहे ना मिले, अब हम खुद से पैसा खर्चा करके खुद से हम गाना लिखवा के रिलीज़ करके अपना एल्बम अपना निकालेंगे। यानी कि अब खुद से आपको करना है? जी, हमको किसी का थ्रू में नहीं करना है। इतना दूर तक जब अपने बलबूते में पहुंची हूँ, इसके आगे भी मैं अपने बलबूते में पहुंच जाऊंगी। लेकिन इन दिनों शिवेश मिश्रा के स्टेज शो में आप नजर आ रही है, क्या जी, बात है? जी देखिए, सबसे पहला बात, शिवेश मिश्रा जी को जितना भी तहे दिल से शुक्रिया दे, धन्यवाद किया जाए, थैंक यू सो मच किया जाए, उतना ही कम है। क्योंकि अगर कोई बड़े कलाकार में अगर होंगे तो उन्होंने बड़ा मंच में मतलब कदम रखने का मौका मुझे शिवेश मिश्रा जी ने दिया है, ये बात मैं कभी भी इनकारूंगी नहीं।
और उनका स्टेज शो करने के बाद उसके बाद आस्ते आस्ते एक एक करके बड़े बड़े कलाकारों का स्टेज शो का ऑफर आया मेरे पास। लेकिन अभी फिलहाल तो शिवेश मिश्रा जी के साथ आप स्टेज शो किया, और किन किन कलाकारों के साथ स्टेज शो आप अभी तक कर चुकी है? ओनली शिवेश मिश्रा के साथ या और भी अन्य कलाकारों के साथ? पुनीता प्रिया उनके संग कर चुकी हूँ, उसके बाद बैगन वाला जो गाना गाई है जो सिंगर प्रीति ऐसे ही कुछ करके नाम है, प्रीति ना प्रीति झा उसका नाम है शायद, अंतरा प्रियंका सिंह, अंतरा सिंह प्रियंका, अंतरा सिंह वाला गाना थोड़ी ना गाई है मतलब वो हाँ गाई है तो वो हो गए। उसके बाद परवेज पंचोली नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका बारे में मुझे कुछ जानकारी उतना नहीं है, वो हो गए। शिवेश जी हो गए, अजीत आनंद जी हो गए हैं, उसके बाद नागेंद्र उजाला जी हो गए हैं, ऐसे तमाम बहुत सारे हैं जिनके साथ अब तक मतलब स्टेज शो कर चुकी, उन्होंने स्टेज शो में मौका दिया है मुझे अपने साथ काम करने का। लेकिन अब इन्हीं तमाम कलाकारों के साथ स्टेज शो फिर करना या नहीं? जी जैसे कि आप शूटिंग के दौरान एक बार में बैक आ गई, ऐसा नहीं ना होगा कि स्टेज शो के साथ भी ऐसा कुछ आपके साथ कोई? देखिए मैं स्टेज शो भी करती रहूँगी और अपना गाना निकाल के एल्बम शूट भी मैं करती रहूँगी। मैं हर साइड में मैं मतलब मेहनत करके मैं आगे बढ़ूँगी, कोई एक साइड में नहीं चुनूँगी, मैं हर साइड में काम करके अपना नाम कमाऊँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।